उठा उठा के चेक करो वाला। इधर चेक करो ना, कुछ बता रहा है? अरे तुझे कुछ समझ में आ रहा है क्या? आ रहा कोटी टापू। क्या हो गया? कोटी टापू। अच्छा कोटी टापू, इसमें इधर लगा के चेक करो। क्या बता रहा है? अम्मी का दाई थोड़ी लेना है, मेरे को चेक कर रहे हो तो। भाई आप देख सकते हैं मेरे वाइफ का तबीयत ख़राब हो चुका है और दो बोतल चढ़ रहा है आज, और कल दो इंजेक्शन लगा था और दवाई ले आए थे फिर भी ठीक नहीं हो रहा, आज फिर बोतल चढ़वा रहे हैं। जब भी बोतल चढ़ रहे, देखिए अभी एक बोतल रखा हुआ है और चलने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था, इसलिए मैं कहा चलो बोतल चढ़वा देता हूँ, जल्दी ठीक हो जाएंगी। और मेरी दिव्यांशी उधर खेल रही है और रो भी रही है। इधर ऋत्विक देखिए गुस्सा में लेटा हुआ है, ये सिरिंज खींच रहा था। नहीं ऐसे थोड़ी खींचेंगे मम्मी, फिर जल्दी नहीं ठीक होंगे। उठो उठो, चलो आपके लिए चीज़ ले आता हूँ, ठीक है? तो गाइज उल्टी भी हो रहा था, लूज मोशन भी हो गया था, इसलिए बोतल चढ़वा रहे हैं और जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अभी खाना वाना भी बनाना है, हमें ही बनाना पड़ेगा सारा कुछ आज। तो ये लेके आए हैं इनके लिए, पपीता लेके आए हैं खाने के लिए, और इधर सब्जी है, पनीर ले आया था, तो डॉक्टर बोल रहे पनीर नहीं खाना है, पपीता ले आए थे। भाई देखिए ऋत्विक का मम्मी का तबीयत ख़राब है और ऋत्विक अपने मम्मी का कैसे सेवा कर रहा है ना, ठीक कर रहा है ऋत्विक। इनके मम्मी का बोतल चढ़ रहा है, ये देखिए तबीयत ख़राब हो गई थी। इधर दिव्यांशी है, नहीं नहीं उधर नहीं छूना, मम्मी का सीढ़ी दबा दो, जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी। इधर नहीं दबाना, गुस्सा कर गए। तो गाई देखिए ऋत्विक गुस्सा। तो गाई दो बोतल लगेगा, एक बोतल अभी लग रहा है और दूसरा बोतल यहाँ रखा हुआ है। ये देखिए तबीयत ख़राब हो गया, कल भी दवाई हुआ और दिव्यांशी कैसे अपने मम्मी के पास है। ऋत्विक कहाँ लगा रहे हो फ़ोन? नानी के पास। दो इंजेक्शन भी कल लगा, आज भी इसके अंदर दो इंजेक्शन। ये देखिए ताकत वाला लगा है। कोई नहीं, टेंशन मत लो, जल्दी ठीक हो जाओगे, बोतल चढ़ेगा ना ठीक हो जाओगे। दिव्यांशी मम्मा की तबीयत ख़राब है, मम्मी के ठीक कर दो पहले, चलो किसके पास फ़ोन कर दूँ? तो गाइस देखिए ऋत्विक अभी अपने नानी के पास फ़ोन लगाया अपने मम्मी से बात कराने के लिए। अभी फ़ोन नहीं उठाया ऋत्विक, अभी फ़ोन नहीं उठाया।